आज बिहार के लगातार तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे भोला शास्त्री पासवान जी का जन्म जयंती को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार में हालांकि अब तक 23 मुख्यमंत्री मिले हैं, लेकिन उस 23 मुख्यमंत्री में एक भोला शास्त्री पासवान का नाम बड़ा गर्व से लिया जाता है। आपको बता दें कि भोला शास्त्री पासवान बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे थे जो आजीवन गरीब, दलित, शोषित, वंचित और बिहार के लिए दिन रात संघर्ष किया। बिहार से कैसे गरीबी मिटे, सामाजिक जो भेदभाव की जो लोगों में जो मतांतर थी उनको मिटाने को उन्होंने काम किया, पर आजीवन उन्होंने सड़क पुत्र की किस तरह से बिहार आगे बढ़े और बिहारी को लेकर के वो चिंतित रहे और कई हद तक उन्होंने बिहार में विकास कार्य भी किया। उनकी जन्म पूर्णिया के बैरगाछी में हुआ था। बैरगाछी एक गाँव था जो अब कटिहार में है और भोला शास्त्री पासवान का आज भी परिवार, पूरा परिवार जो है गरीबी हालत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उसका उस समय जिस समय भोला शास्त्री पासवान बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय उसके पास साधारण फूस का घर हुआ करता था और आज भी उसका परिवार जो है खपरे के घर में रह रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, इसके जन्म जयंती के मौके से हम पता देना चाहेंगे कि अब तक भोला शास्त्री पासवान को या तो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसके परिवार को, किसी भी सदस्य को सम्मानित नहीं किया गया, यहाँ तक कि भोला शास्त्री पासवान को भी सम्मानित नहीं किया गया। तो इसी पर हम बात करेंगे। आर शास्त्री जी की जन्म जयंती को पूरे बिहार में लोग मना रहे हैं, आप भी राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता हैं, तो क्या कहिएगा सर भोला शास्त्री पासवान जी के जन्म जयंती पे, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग नमन करते हैं आदरणीय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी को, और हम लोग कार्यक्रम भी किए, दल के लोग भी किए और हम लोग भी जो भी दलित पासवान समाज के सब लोग थे, हम लोग हॉस्पिटल चौक के पास अभी कार्यक्रम किए थे और हम लोग नमन करते हैं उनको जिन्होंने दलित शोषित के लिए आवाज़ उठाया। भलो आज उनका परिवार जिस दौर से गुजर रहा है वो एक समाजवादी की पहचान है कि उन्होंने अपने पद पे रहते उनको कोई लोभ लालच नहीं था, नहीं तो आज उनका भी परिवार मर्सिडीज और कई एकड़ ज़मीन में उनका घर रहता। निश्चित रूप से भोला पासवान शास्त्री एक अच्छे समाजवादी नेता थे और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उनका जो कार्यकाल रहा, उनका जो समय, वह ईमानदारी से काम किए। अभी सर आप लोग विपक्ष में हैं, सरकार में नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल 25 में चुनाव भी लड़ेगी, आपकी जब सरकार बनेगी तो ऐसे मुख्यमंत्री जिसको पूरा बिहार भूल चुका है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भुलाती है, उसका न तो जयंती मनाया जाता है, न परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, न उन्हें याद किया जाता है, जब आप सरकार में आएंगे तो ऐसे नेता को सम्मानित आपकी पार्टी करेगी? देखिए अभी तो हम लोगों की पार्टी तो मनाती है, हम लोग भी मनाए, अभी कार्यक्रम हुआ भोला पासवान शास्त्री जी का, अभी भी हम लोग किए हैं वहाँ पे, तो पार्टी तो करती ही है, अभी भी करती है, मनाती है परिनिर्माण या जन्म दिवस, लेकिन जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोगों की पार्टी इसके लिए कुछ अलग रूप से जो ऐसे महान पुरुषों के लिए कुछ अच्छा करेगी, चाहे वो उनका जन्मदिन मनाया जाए या परिनिर्माण दिवस मनाया जाए, तो उसके लिए कोई अच्छा संगठनात्मक काम करेंगे और उस समाज के लोगों को प्रेरित। और बता दें कि कोरोना काल में 2020 की बात हम बता रहे हैं, जब भोला शास्त्री पासवान का पूरा परिवार सड़क पे था, दाने दाने के लिए मोहताज था, तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने उन्हें आर्थिक सहयोग किया था, तेजस्वी यादव जी के द्वारा सहयोग किया गया था, तो अभी भी गरीबी हाल में उसका परिवार जी रहा है। शायद अगर शास्त्री जी भी अगर उसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहते तो आज उनके परिवार के पास भी अकूत संपत्ति होता, दौलत होता, तो ऐसे परिवार को लेकर के और भोला शास्त्री पासवान को लेकर के अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमारी सरकार बनी तो ऐसे परिवार, ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी सोचेंगे और हम लोग भी अपना राय देंगे कि ऐसे शोषित और दलित समाज के जो भी व्यक्ति हैं, अगर आज तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री थे, लेकिन ऐसे अन्य लोगों के लिए भी हमारी पार्टी काम करेगी, चूँकि यह पार्टी शुरू से ही दलित शोषित वंचितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं और इसलिए हम लोग इसके लिए भी कार्यक्रम चलाएँगे, सरकार में जब आएंगे तो इसके लिए अलग से ज़रूर हमारे नेता व्यवस्था करेंगे और हम लोग इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो चलिए, पूर्णिया के लाल और बिहार के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री रहे भोला शास्त्री पासवान जी के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज उनकी जयंती पूरे बिहार समेत देश भर में मनाया जा रहा है, अपनी भी रह दें और देखते रहें अनुखा एक्सप्रेस की। धन्यवाद।